सर, आपने वीडियो में बोला है, जो हम वैदिक का जो कोर्स किया उसमें आपने बोला है कि जब आप बिल्डिंग में घुसते हैं तो आपको पता चल जाता है कि बिल्डिंग में सामान, कौन सा सामान कहाँ रखा है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या सचमुच ऐसा होता है क्या? नहीं सर, ये मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ, तो क्योंकि मैं आप सच बोल रहा बोलेंगे। हूं अभी, नहीं सर, ले तो मान ही नहीं रहा। नहीं सर, आप हाँ बोल दीजिए तो हमें बहुत ही अच्छा फील होगा कि हम भी वैसे कभी बन सकेंगे शायद। ऐसी बातों पे यकीन नहीं करता, ऐसे ही बोल देता हूं मैं, तभी तो तुम लोग बट आते हो सर, ना आपके कोर्स वीडियो करने। में जो भी आप बोलते हैं हम तो बहुत ध्यान से सुनते हैं और उसको तो सच मानते हैं, तो ऐसे कैसे बोल देते हैं सर? फिर वीडियो कैसे देखेंगे? क्या मोटिवेशन होगा हमारा वीडियो देखने का? फिर हम इतना ध्यान से 10 बार उसको सुनते रहते हैं, इतना और मैंने तुम्हें कहा कि मेरे वीडियो देख। क्यों नहीं सर? आपका सर कोर्स लिया तो आप तो बोलते हैं ना, इसको बार बार देखो तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो हम मैं तो उसको बार बार देखती हूँ ताकि कुछ तो मिलेगा। पर मैंने कब कहा कि बार बार देखो? नहीं सर, आप बोले हैं कि अगर आप फिर से इसको सुनोगे तो आपको पूरी तरह समझ में आएगा, आप इसको ठीक से आत्मसात करो। तो हम तो उसी में लगे रहते हैं कि भाई अब। और सच में ये होता है, जब मैं फर्स्ट टाइम देखा था, जब कोर्स चल रहा था तो उतना समझ में नहीं आया था, लेकिन अभी जब मैं फिर से यहाँ आ रही थी, फिर से रिविजन किया, तो मुझे लगा काफ़ी कुछ मुझे समझ में आ रहा है। तो मुझे लगा कि मतलब इसको अगर मैं फिर से देखूंगी तो और भी ज़्यादा समझ में आएगा, और भी कुछ मुझे पता चलेगा। तो शायद फर्स्ट टाइम मैंने जल्दी गो थ्रू किया या जो भी है। अच्छा, सवाल क्या था? नहीं, सवाल सिर्फ सर ये है कि आप जो वीडियो में बोल रहे हैं, क्या वो हर एक सेंटेंस सही है उस वीडियो में? सर, हम तो उसको प्रसाद की तरह लेते हैं कि सर के मुंह से निकल गया अगर यूट्यूब वाले वीडियो में भी, तो हम तो बस लिख लेते हैं, ये तो कोई नहीं काट सकता है, बस ये तो। अब देखो, तुम ये कोर्स इसलिए करने आई कि अपन अच्छे से समझ के अपना करेंगे। नहीं सर, फर्स्ट ये रीजन था कि सर आपको मैं देख हम वो तो एक देखेंगे था, मिलेंगे। पर ये था कि ये पैसे की रेमेडी ऐसे कैसे करते हैं, कैश फ्लो को ध्यान में रखते हुए हाँ तुम यहाँ आई। हाँ बिल्कुल सर। अब क्या है कि जो तुम्हारे यहाँ पर साउथ ईस्ट में, अभी बता रहा था ना, साउथ ईस्ट की जो अलमारी है तुम्हें मालूम है ना कहाँ है? हाँ सर पता है। ठीक है, उसमें वो जो वेलवेट कलर के डिब्बों में चांदी रखी हुई है ना, नीले रंग के, देखा? नीले रंग के डिब्बे में चांदी की कटोरियां रखी हुई हैं। हाँ सर, कटोरी तो रखी है। सर कैसे पता चल गया आपको? अब तुमने ये तो नहीं पूछा था ना कैसे पता चलता है, तुमने ये पूछा था क्या ये सच है? हाँ सच तो है। अपन एक एक करके आते हैं ना। मैंने कहा ये सच नहीं है, मैंने कहा ना हाँ, सच नहीं है। लेकिन सर अभी तो आप सही से ही बताए ना। क्योंकि मैं बिल्डिंग के अंदर नहीं घुसा, मैंने यहीं से बता दिया। बिल्डिंग में बिना जाए भी मुझे पता चलता है कि कहाँ क्या रखा है। नहीं सर, एक्चुअली आप जो भी बोल रहे हैं कि हाँ ऐसे पता चल जाता है, तो ये हमें मोटिवेशन देता है कि हम भी कुछ अच्छा करें। शायद मेरी तो यही इच्छा है, काश मैं भी बता सकती किसी दिन, तो मैं काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम सारा सॉर्ट आउट करती कि भाई तुम्हारे यहाँ ये है, लोग भी खुश होते। अच्छा बता देती है, ये तो बहुत अच्छी। तुम भी बता सकोगे, क्योंकि हमारा सनातन धर्म हमें वो विधियाँ देता है। मैं तो आपसे विधियाँ शेयर कर सकता हूँ, जैसे जैसे आप उनको आत्मसात करोगे, जैसे जैसे उसके मुताबिक चलोगे, तो बहुत अच्छे से आप भी बता पाओगे।